अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आर माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लाया हूं वो है डॉलन्स का माइक्रोवेव ओवन, जिसका मॉडल है MD4। ये 20 लीटर वाइट सिंपल मैनुअल में ओवन है। इसका फ्रंट लुक बहुत ही खूबसूरत प्यारा ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन में है, और इसके ऊपर फ्रंट पे कंपनी ने लिखा हुआ है हीट फूड विद इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 17 पैसा पर मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस मॉडल को एनर्जी सेवर कह सकते हैं, क्योंकि ये 17 पैसा पर मिनट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करता है। हम इस मॉडल के राइट साइड पे देख सकते हैं इसकी ऑपरेटिंग नॉब नज़र आ रही है। इसकी टॉप पे जो आपको नॉब नज़र आ रही है, ये पावर हीटिंग को कंट्रोल करती है, जिसकी मदद से हम इसको लो, हाई, मीडियम कर सकते हैं। इसकी टॉप नॉब का ऑपरेटिंग का तरीकाकार हम देख लेते हैं। इसकी नॉब के ऊपर आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है। इस एरो के निशान को हम जिस जगह पे जाके सेलेक्ट कर देंगे, उसी हिसाब से इसकी हीटिंग गन का टेम्परेचर एडजस्ट हो जाएगा। मीन्स कि अगर हम लो करेंगे तो लो हो जाएगा, हाई करेंगे तो हाई हो जाएगा। इसी तरह इसकी जो नीचे वाली नॉब है वो टाइमिंग को कंट्रोल करती है। हम 1, 2, 3, 4 जहाँ पर जाके इसको हम सेट करेंगे, उतने मिनट का टाइम एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह ही अगर हम टाइम नॉब के नीचे की बात करें तो वहाँ पे कुकिंग प्रिंट किया हुआ है, और इसके अलावा कुकिंग के कुछ फंक्शन प्रिंट किए हुए हैं, जिसमें राइस, फिश, वेजिटेबल सरफेरिस्ट है, जिसमें ये तरीकाकार बताया गया कि किसी भी चीज़ का वेट कितना रखना है, टाइम कितना लगाना है, और पावर हीटिंग कितनी एडजस्ट करनी है। ओवरऑल अगर हम इस ओवन के लुक की बात कर ले, फ्रंट की, साइड प्रोफाइल की, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट बना हुआ है। इसके मशीनरी को हवा लगने के लिए फ्रंट लुक बड़ा ही खूबसूरत ब्लैक और वाइट में है। अगर हम बात कर ले इसके डोर हैंडल की, तो बड़ा ही खूबसूरत डाई के अंदर बना हुआ है। आप जो मोस्टली ओवन देखे होंगे कि वो अलग से ऊपर हैंडल लगा होता है, जो कि वक्त के साथ साथ पुल आउट पुल इन करने से वो लूज़ हो जाता है और आखिरकार वो टूट जाता है या खुल जाता है। और अगर हम बात कर लें इसके डोर लॉक की, तो बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही स्मूथ बना हुआ है। बहुत ही इजीली इसको पुल इन पुल आउट करके आराम से खोल और बंद कर सकते हैं, बहुत ही किसी भी किस्म की टेंशन के बगैर। अब हम इस ओवन को ओपन कर लेते हैं और इसकी एक्सेसरी को बाहर निकाल लेते हैं, और अब हम मज़ीद कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। इसके इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में सबसे पहले इसके बॉटम पे हमें एक तिकोन ब्लॉक्स मिल जाता है, जिसके ऊपर इसकी ग्लास शीशे की जो प्लेट होती है वो राउंड घूमती है। इसका इंटीरियर अंदर से सारा ही बड़ा खूबसूरत वाइट कलर का शाइन में है। इसके लेफ्ट साइड की बात कर ले तो एक एग्जॉस्ट मिल जाता है, और इसी तरह ही अगर हम इसके राइट साइड की बात कर लें तो एक कार्ड है जो हीटिंग गन के सामने होता है, जो शवाओं को डायरेक्ट खाने पे पड़ने पर रोकता है, और साथ में राइट साइड पे एक अदद एग्जॉस्ट है हीटिंग गन का। ओवरऑल बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा इंटीरियर है इस मॉडल का। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इसकी एक्सेसरी की, कंपनीज के साथ हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हमें एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, इसके साथ ही एक अदद यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है। यूज़र मैनुअल के अलावा अगर हम बात करें तो हमें इसके अंदर एक अदद ग्लास शीशे की प्लेट मिल जाती है। इस शीशे की प्लेट का अगर हम साइज़ की बात कर लें तो इसका प्लेट का साइज़ 10 इंच है। इसके साथ ही हमें एक अदद रिंग मिल जाता है, जो प्लेट को एडजस्ट करने में मदद देता है और प्लेट का लेवल बरकरार रखता है। जिस तरह आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये रिंग प्लेट को राउंड घूमने में मदद देता है, और प्लेट ईजीली विद वेट राउंड घूमती रहती है। नेक्स्ट हम इसके मैनुअल यूज़र की बात कर लेते हैं, जो इसके साथ एक अदद कंपनी ने दी हुई है, वो सेम इसी ही मॉडल की MD4 की है, जिसके फर्स्ट पेज के ऊपर कंटेंट दिया गया है, सेकंड पेज के ऊपर स्पेसिफिकेशन दी गई है, जिसके ऊपर हर चीज़ मेंशन है, लाइक इसके इनपुट वाट कितने हैं, इसके आउटपुट वाट कितने हैं, इसकी डायमेंशन कितनी है, इसका ग्रॉस वेट कितना है, हर चीज़ इसमें मेंशन की हुई है। नेक्स्ट पेज की अगर हम बात कर ले तो ऑपरेटिंग का तरीकाकार बताया गया है। इससे नेक्स्ट पेज की अगर हम बात कर लें तो इसके ऊपर पार्ट्स के नेम बताए गए हैं कि कौन कौन से पार्ट्स को किस किस हवाले से बनाया गया है और इसका क्या क्या इस्तेमाल है। और नेक्स्ट पेज पे ऑपरेटिंग पैनल के बारे में कुछ बताया गया है कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, और टाइमिंग के हवाले से बताया गया है कि किस चीज़ को कितनी टाइमिंग रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पेज की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट पेज के ऊपर डॉलर्स ने अपने हर शहर में, छोटे बड़े शहर में जितने इनके सर्विस सेंटर हैं, उनकी मालूमात, उनके सर्विस सेंटर नंबर, उनका एड्रेस लिखा हुआ है। ये सब कुछ आपकी सहूलत के लिए। तो जी व्यूवर्स, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हम मजीद
इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस के हवाले से आपके लिए अच्छे अच्छे रिव्यूज लाते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।